बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बुलंदशहर में डीपीएस की तान्या सिंह ने टॉप किया है, तो तान्या सिंह को सीबीएसई बोर्ड में 500 में से 500 अंक मिले हैं। सीबीएसई बोर्ड में लखनऊ की श्रेया सिंह को 98.4% नंबर मिले हैं। आपको बता दें डीपीएस की तान्या सिंह ने टॉप किया है और उनको 500 में 500 नंबर मिले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है और उसके बाद लखनऊ की श्रेया सिंह को 98.4% जो अंक है वो उन्होंने हासिल किए हैं और युवाक्षी ने भी 500 में 500 अंक हासिल किए हैं। पीएम मोदी ने भी 12वीं के इन विद्यार्थियों को बधाई दी है। सीबीएसई बोर्ड में 500 में 500 अंक तान्या सिंह को मिले। हिमांशु हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और उनके साथ में तान्या भी हैं जिन्होंने टॉप किया है। हिमांशु आपके पास आएंगे, रिजल्ट घोषित हो गया है, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तान्या और उनका पूरा परिवार, साथ ही जो बुलंदशहर का डीपीएस स्कूल है उनके प्रिंसिपल भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि स्कूल के अंदर हर्षोल्लास का माहौल है। उसकी वजह है कि सीबीएसई टॉपर जो है वो बुलंदशहर डीपीएस से निकले हैं। ये देखेंगे तो उनका पूरा परिवार है, तान्या है, उनके माता पिता है, साथ ही स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तान्या के पास चलते हैं क्योंकि आज का दिन उनके लिए है, सीबीएसई टॉपर 500 आउट ऑफ 500। तान्या क्या कुछ कहेंगी इस सफलता के बारे में और आपने टॉप किया है, आप ही बताएंगी। सर बस मैं ये कहना चाहूंगी, ये जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, प्रिंसिपल सर और सब मम्मी पापा, उन्हीं की वजह से, इतने सारे सैंपल पेपर्स हमने किए और असाइनमेंट्स, उन्हीं की वजह से रिजल्ट आ पाया। आगे के लिए क्या सोच रखा है, क्योंकि अब तो टॉप 12th के बाद अगला स्टेप क्या रहने वाला है आपका? सर अभी मैं हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहती हूँ एंड उसके बाद यूपीएससी। आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, प्रिंसिपल भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर कैसा लग रहा है स्कूल से टॉपर निकलना, वो भी सीबीएसई टॉपर फर्स्ट रैंक? मैं सबसे पहले इन बच्चों को बधाई देना चाहूंगा, इनके माँ बाप को और अपने टीचर्स को। ये तीसरी साल है जब दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर ने सीबीएसई टॉपर प्रोड्यूस किया है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 साल से ज्यादातर जो है ना मेरी लड़कियां, इन्होंने टॉप किया है। तो ये सबसे बड़े को आप पीछे कर रहे हैं, मतलब लड़कियों को आप आगे कर रहे हैं ना हूं। तुषार सिंह ने सबसे पहले टॉप किया था, उसके बाद पिछले 2 साल से लड़कियां टॉप कर रही हैं और पहली 10 पोजीशन में से 9 पोजीशन गर्ल्स की है। तो अभी खुश है आप, खुशी का माहौल है, किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं पूरे दिन को पेरेंट्स के साथ और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, आप क्या कुछ आज प्लानिंग सोच रखी है? सर अभी तो कुछ प्लान नहीं किया है लेकिन पार्टी करेंगे, ये तो पक्का है। पक्का है सर, आप फादर हैं, एज अ फादर कितना प्राउड फील कर रहे हैं जो बेटी है उसने टॉप किया है सीबीएसई में 12th में? सर मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती सर, मेरी बेटी ने सीबीएसई टॉप किया है सर। एज अ मदर मैम आपको कैसा लग रहा है और कितना टाइम आप पढ़ने के लिए प्रोवाइड करती थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब लड़की होती है तो काम करवाते हैं घर का, क्योंकि आप घर का काम कीजिए, घर के काम में आप हेल्प कीजिए। कि तान्या कितना हेल्प करती थी आपको और पढ़ाई में क्या रुझान रहता था? सर हेल्प का तो हेल्प करती थी, अगर उसके पास टाइम होता था तो वो मेरे पास आती थी कि मम्मा आपको कोई जरूरत है तो मैं साथ में हूँ, बट मैं उसको यही बोलती थी कि बेटा आप अपना काम करो और अगर हो गया है तो आप थोड़ा रिलैक्स करो। एक बार विक्ट्री साइन बना देंगे सभी भैया, आप सब कितने खुश हैं आप देख सकते हैं, चेहरे पर अलग ही खुशी, अलग ही मुस्कुराहट है, क्योंकि सीबीएसई टॉपर जो है वो तान्या सिंह है। एक बार फिर तान्या सिंह के पास चलेंगे। तान्या क्या कुछ कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं और एक तरह से डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, वो क्योंकि वो सोचते काफी ज्यादा है हाई कि उनके नंबर भी अच्छे आएंगे लेकिन इत्तेफाकन उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन है? सर नहीं, पहले तो मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी, मेरे 10th क्लास में 93.4% आए थे, तो मैंने भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ था कि मेरे इससे ज्यादा आएंगे, मुझे खुद लगा कि इतने कम कैसे आ गए, मेरी रैंक भी काफी नीचे चली गई स्कूल में, तो लेकिन सर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर अब नहीं हुआ तो हम आगे कर सकते हैं, 10th क्लास एंड थोड़ी ना, 12th क्लास भी एंड नहीं है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी अगर 12th में कम मार्क्स आ गए मैं चाहूंगा तो आप से पूछे कि उनका पढ़ाई करने का, तैयारी करने का क्या कुछ तरीका, तो अगर हम आगे मेहनत करें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल,
तान्या, एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो आपका पढ़ाई करने का प्रिपरेशन करने का जो रहा तरीका, वो किस तरह से रहा, किस तरह से आप पढ़ाई के लिए समय देती थी, वो शेड्यूल आपका किस तरह से रहता था? सर, ऐसे मैंने कोई टाइम टेबल तो नहीं बनाया था कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है या ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मैं ये सोच लेती थी कि आज ये टारगेट है, ये सब कम्प्लीट करना है, और सिर्फ मैं वही कम्प्लीट करती थी। लगा था कि आपको 500 आउट ऑफ 500 आप अचीव कर लेंगी? 500 आउट ऑफ 500 तो नहीं लगा था, बस ये था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, सब खुश होंगे, लेकिन इतना अच्छा आएगा और सब इतने खुश होंगे ये नहीं पता था। अच्छा आएगा ये पता था, इतना अच्छा आएगा इसके बारे में उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छा, उम्मीदों से बढ़कर रिजल्ट आया। और CBSE की जो टॉपर है वो अब तान्या बन चुकी है, और आगे के लिए जिस तरह से बताया उन्होंने कि सीधे तौर पर आगे UPSC की तैयारी करेंगी और IAS ये बनना चाहती है, पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा है, और आज का दिन तो तान्या के लिए ही है, और पूरा परिवार और जो स्कूल का एडमिशन है वो पूरी तरह से खुशी के माहौल में है। जी बिल्कुल। तो तान्या न्यूज़8 के साथ इस वक्त जुड़ी थी, उन्होंने टॉप किया है और 500 में 500 अंक उन्होंने हासिल किए हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तान्या को ट्वीट करके बधाई दी है। तो न्यूज़8 से उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से